नमस्कार किसान भाई और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, सोयाबीन किस्म की जानकारी की श्रृंखला में आज हम लाए हैं संस्थान द्वारा विकसित सोयाबीन किस्म एनआरसी 128 के बारे में जानकारी। साथियों, यह किस्म 2020 में अधिसूचित की गई है एवं पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुशंसित है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं इस किस्म के प्रजनक डॉक्टर शिव कुमार साहब। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बियूद उपारी जी से हम जानेंगे कि हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन के खेत में इस सप्ताह क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बी यू दुपारे एवं डॉक्टर विनीत कुमार द्वारा किया गया धार एवं देवास जिले के कृषकों के खेतों का भ्रमण, निरीक्षण कर दिए उपयुक्त सुझाव। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे लगभग 300 से अधिक किसानों द्वारा किया गया भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के प्रदर्शन प्लॉट का भ्रमण, सोयाबीन की नवीनतम किस्मों के बारे में प्राप्त की जानकारी। प्रदर्शन में भाग लेने वालों में सोयाबीन फसल का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने वाले पुरस्कार प्राप्त किसानों का भी समावेश। अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा देवगढ़, बलिया, लोक भारती तथा अमरेली में लगाए गए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, प्रायोगिक परीक्षण तथा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक तथा प्रजनक डॉक्टर जी के सातपुते द्वारा किया गया निरीक्षण। संस्थान द्वारा संचालित सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रसारित तकनीकी एवं उन्नत किस्मों की कृषकों तक पहुंच रही जानकारी, न्यूनतम समय में प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्राप्त हुई सफलता। अखिल भारतीय समन्वित प्रजनक बीज उत्पादन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत डॉक्टर आर उमारानी, निदेशक बीज प्रौद्योगिकी सेंटर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समूह द्वारा संस्थान के प्रजनक बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का किया गया निरीक्षण। सत्ताईस सितंबर को संस्थान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट का किया जाएगा सीधा प्रसारण, नवीन किस्मों तथा तकनीकी के बारे में सीधे प्रजनकों द्वारा दी जाएगी उपयुक्त जानकारी। आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के सेवानिवृत्त प्रजनक डॉक्टर फिलिप वर्गिस का 23 सितंबर को हुआ आकस्मिक निधन। MACS मार्क्स श्रृंखला की किस्मों के विकास में रही महत्वपूर्ण भूमिका, संस्थान एवं सोया परिवार की ओर से गहरी संवेदनाएं एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार, सीनियर साइंटिस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च से। मैं आज के दिन में एनआरसी 128 ये वेराइटी है 2020 में रिलीज़ हुआ है। ये जैसे ईस्टर्न जोन, इसमें हमारा राज्य आता है छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ऐसे नॉर्दर्न प्लेन जोन में आता है दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड। ये तीनों राज्य और ईस्टर्न जोन में, मैंने जैसे बताया था कि पांचों राज्यों में इसका रिलीज़ हुआ है। और इसका जो ड्यूरेशन है ये 105 से 110 दिन में इसमें इसका मतलब मैच्योर हो जाएगा, इसका मैच्योरिटी 105 से 110 दिन में हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें इसका जो है इस वेराइटी में पर्पल फ्लोर आता है, और हम ये भी देख रहे हैं कि पुबेसेंस इसमें स्टेम के ऊपर है और लीफ के ऊपर भी है और पॉड के ऊपर भी है। और इसका हाइट आप देख सकते हैं कि लगभग 75 to 80 सेंटीमीटर है इसका हाइट, और पलिया भी आप देख सकते हैं कि इसमें एवरेज हमको 60-70 से अधिक पौध मिलेंगे एक पौधा से। और इसका एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है 22 to 25 क्विंटल पर हेक्टर है, और इसका जो पोटेंशियल है, यील्ड पोटेंशियल जो है 40 क्विंटल तक भी इसका जा सकता है। तो इसके बाद में इसका डिसीज़ के बारे में अगर बताना तो ये है तीन बीमारी जो चारकोल रॉट है, एंथ्रेक्नोस है और येलो मोज़ेक वायरस है। ये तीनों बीमारी के लिए इस
पौधे में मतलब रेजिस्टेंस है, और खास करके इसमें और एक अति आवश्यक गुण है वो ये वाटर लॉगिंग टॉलरेंट भी है। जैसे मतलब ज़्यादा बारिश हो गया तो भी इसमें थोड़ा इसमें टॉलरेंस है। तो इसमें और भी जैसे आप देख सकते हैं इसका जो स्टेम है तो बहुत मोटा है, मतलब स्ट्रांग है, इसमें लॉडजिंग भी बहुत कम होता है, और आप ब्रांचिंग भी दे सकते हैं, ब्रांचिंग भी है, चार पांच ब्रांचिंग भी है इसमें, और आप नोड जैसे मतलब पार्ट जहाँ जहाँ मतलब आ रहा है ये नोड भी दे सकते हैं, इसमें 7 से 8 नोड भी है। तो ये है इसका पूरा विवरण NRC 128 का। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की इस समय पे क्या स्थिति है। जितने भी सोयाबीन के क्षेत्र है, जो सोयाबीन की विभिन्न किस्में लगाई गई है, इस समय पे परिपक्व होने की स्थिति में है। कुछ स्थानों पे किसानों ने इसकी कटाई शुरू भी कर दी है, जबकि कुछ स्थानों पर जो बारिश हो रही है उसके कारण कटने में इसको देरी है। तो इसी बात को लेके इस सप्ताह क्या जानकारी देनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की फसल परिपक्व होने की स्थिति में है और ऐसी स्थिति में लगातार होने वाली बारिश से फसल में जो बीज बनने वाले हैं उसकी गुणवत्ता में खराबी आ सकती है, यानी कि बीज पौधे पर ही अंकुरित होने की संभावना हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि सही समय पर फसल की कटाई करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सोयाबीन की फसल कटने की स्थिति में है और यदि लगातार धूप निकलती है तो उससे सही समय पे कटाई अगर नहीं हो तो फसल अपने खेत में ही चटकने की संभावना बन सकती है। तो ये दोनों स्थिति से हमें बचना चाहिए, इसके लिए सही समय पर फसल की कटाई करनी चाहिए। और एक इसका मापदंड ये है कि जैसे ही फसल में फलियों का रंग बदलना प्रारंभ हो या 90% फलियां पीलेपन में परावर्तित हो जाए तो यही मान लीजिए कि आप अपनी फसल का सही कटाई का समय है। साथियों, जहाँ पे लगातार बारिश हो रही हो तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने फसल में जो जलभराव की स्थिति बन सकती है उसको हम दूर करें, यानी अतिरिक्त जल की निकास की व्यवस्था करें। ये भी देखें कि यदि आपकी 90% फलियों का रंग पीलापन पड़ जाए तो तभी इसकी कटाई करें, और इससे क्या होगा कि बीज के अंकुरण में विपरीत प्रभाव नहीं होगा। साथियों, जब आप कटाई करते हैं तो दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो कंबाइन से करें या हाथ से कर सकते हैं। तो कंबाइन से करते हैं तो आप ये देखें कि साथ ही साथ थ्रेशिंग भी हो जाती है, घाई भी हो जाती है, लेकिन जो आप हाथ से कटाई करते हैं तो उसको 1-2 दिन धूप में अच्छी तरह से सुखा दें और उसके बाद में उसको बारिश से बचाने के लिए एक जगह पे खलिहान में इकट्ठा करके रख दें। और जब आप बात करते हैं बीज उत्पादन की, तो जो कटी हुई सोयाबीन है जिसकी गहाई करते हैं तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान में रखें, जो थ्रेशर आप अपनाएंगे उसकी RPM जो है 350 से 400 RPM ही हो। इससे अधिक RPM पे अगर आप थ्रेशिंग करते हैं तो बीज को चोट पहुँचती है और वो अंकुरण के लायक रहता नहीं है। तो यदि आप बीज उत्पादन के लिए सोयाबीन की गहाई कर रहे हैं तो थ्रेशिंग की जो स्पीड है 350 से 400 RPM रखें। इसके लिए आप जो थ्रेशर है उसकी पुली बदल सकते हैं, बड़ी पुली लगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी चलनी है वो भी बदल दें। तो साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने सोयाबीन का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण लें, यही बात इस समय पर हम आपसे कहना चाहेंगे। तो साथियों, यही थी इस सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण बात। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।